यस अपने एक और आज स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है प्रवीण कुमार, जिसका ऑल इंडिया 49 रैंक है। प्रवीण कुमार, इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी बधाई। प्रवीण कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की जगह से हैं। टीकमगढ़ एक बहुत छोटा सा टाउन है और प्रवीण ने जब लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, सेल्फ स्टडी की थी, पर उस साल अच्छी रैंक नहीं आई, देन अगेन सेकेंड ड्रॉप लिया और आज ऑल इंडिया 49 रैंक है। प्रवीण एक बहुत आइडियल एग्जाम्पल है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि एक ड्रॉप लेने से ही डरते हैं, पर प्रवीण ने दो ड्रॉप लिए और दूसरे ड्रॉप में फाइनली 49 रैंक है। इसका मतलब है कि इनको एनआईटी त्रिची मिलेगा। तो प्रवीण, इस रैंक के लिए ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं इस रैंक के लिए सर आपको, प्रतीक सर को और अपने सीनियर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, साथ में मेरे पापा जिनने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो थैंक यू सर एंड प्रतीक सर। थैंक यू बेटा। देखो प्रवीण, आपका जो एग्जांपल है ना, सेकंड ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप तो लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं, पर जब सेकंड ड्रॉप की बात आती है तो बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर वो कंप्रोमाइज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी सक्सेस जर्नी क्या, और आप तो एक बहुत छोटी सी जगह से आए हुए हो, तो जब आपका फर्स्ट ईयर में आपने पहले सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी प्रिपरेशन की, कुछ समय कहीं पढ़ा भी आपने, पर जब नहीं हुआ तो उसके बाद सेकंड ड्रॉप की जो हिम्मत जुटाई आपने और इम्पीटस गुरुकुल से जुड़े सेकंड ड्रॉप में, ये बच्चा क्लासरूम स्टूडेंट है और इसने क्लासरूम में रहकर पढ़ाई की, बस जब कोविड के वजह से फिर ये घर शिफ्ट हो गया। तो प्रवीण, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के वो लोग जो जीवन में कंप्रोमाइज कर लेते हैं शायद सही डिसीजन ले पाए। सबसे पहले सर, मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, तो मैंने देखा सिलेबस वही 12th वाला सिलेबस था, तो मैंने सोचा खुद से ही तैयारी कर लूंगा। तो दिसंबर तक खुद से ही की, पर नहीं हो पाया, टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही थी और भी थी। तो फिर मैंने इम्पीटस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया। पाँच महीने तैयारी की, तैयारी ठीक थी लेकिन पेपर कहीं ना कहीं बिगड़ गया था मेरा। तो मेरी रैंक 836 आई थी, तो मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा था उस टाइम। मैंने एसयू का भी नहीं भरा था फॉर्म, तो मेरे पास ऑप्शन थे या प्राइवेट कॉलेज ले लूं या फिर कोई और, मतलब प्राइवेट ही कॉलेज का ऑप्शन था, एमसेट तो नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा प्राइवेट से तो नहीं करूंगा क्योंकि प्लेसमेंट के लिए दिक्कत आने लगती वहां पे। मैंने एमसीए कर लिया और प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर वही 2-3 साल भटकना पड़ेगा। तो फिर घर वालों को बोला, घर वालों ने कहा ठीक है, एक और ड्रॉप लेना चाहते हो तो ले लो। तो फिर मैंने सेकेंड ड्रॉप ले लिया। सेकेंड ड्रॉप के बाद तैयारी की एंड 49 रैंक आई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपने अभी प्रवीण की बात सुनी होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रवीण ने पहले तो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन स्टार्ट की। दिसंबर तक ऐसा लगा कि शायद उतनी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पा रही, देन क्रैश कोर्स ज्वाइन किया पर क्रैश कोर्स में कम टाइम मिला। देन फाइनली जब रैंक, जबकि 800 रैंक कोई बुरी रैंक नहीं होती, 880, बट इसके बाद इसने जीवन को फिर से एक नए तरीके से पढ़ाई चालू की। और जब ये सेकेंड ईयर जुटा तो इसने साल भर बहुत मेहनत की, मैंने इसको मेहनत करते हुए देखा है। और मैं आप सभी बच्चों को एक बात कहना चाहूंगा, कई बार हम ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता, पर सेल्फ स्टडी के साथ डिसिप्लिन, आपकी खुद की टेस्टिंग, आपको अपना असेसमेंट करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कई बार नहीं हो पाता है, तो ऐसे में मैं उन बच्चों को कि जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है या बहुत रेगुलर अपनी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे, उनको मैं बोलूंगा समय रहते हुए डिसीजन लें, जिससे कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा प्रवीण, जब आपने सेकंड ड्रॉप लिया तो आपके साथ वाले कुछ दोस्त, क्योंकि एडमिशन ले चुके थे, या आसपास आपके जो फ्रेंड जो कुछ नहीं कर रहे थे, उन सब का भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? हाँ सर, प्रेशर तो आता है, लेकिन सर अगर आप प्रेशर लोगे तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मैं जब क्लास में जाता था तो कुछ नए बंदे, कुछ पुराने बंदे जैसे ही देखता था ना, तो लगता था कि कहाँ यार हम फिर से आ गए यहाँ पे, फिर वही फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, यहाँ जूनियर भी हैं। तो मैं सब को इग्नोर कर देता सर, अपनी सेल्फ बैठ के अपना अलग ही बेंच पे बैठ के पढ़ाई करता था। मतलब सर इनको अगर देखो तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, वही डिमोटिवेट ही रहोगे हमेशा। तो कई बार आपकी वीडियो देख ली मोटिवेशन के लिए, तो ऐसा देखते रहते थे सर। और फिर एक सर मैंने रैंक कार्ड भी अपने उस पे लगा रखा था कॉपी पे,
पूरा सिलेबस वगैरह लिख के अपनी रैंक भी लगा रखी थी कि इस बार ये आई 36 आई, अब नहीं चाहिए ये, अब टॉप 20 टॉप 50 में ही जाना है कहीं ऐसे। तो सर वही देख के मोटिवेशन मिलता रहता था। वेरी गुड। देखिए प्रवीण ने कितनी अच्छी बात बोली, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जब कभी हम सेकंड फर्स्ट सेकंड ड्रॉप लेते हैं तो कई बार हम उन बच्चों के साथ पढ़ते हैं जो हमारे जूनियर होते हैं, तो ऐसे में कई बार फ्रस्ट्रेशन आता है, दूसरा कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं उनको देख के। पर उनका एक ही तरीका जो देखिए प्रवीण ने कितनी अच्छी बात बोली कि इसने अपने आप को आइसोलेट करा, दूसरा अपने लास्ट ईयर की 830 रैंक को 836 रैंक को इसने एक पोस्टर जैसा बना लिया। 836 रैंक पे लास्ट ईयर रायपुर मिला था, अगरतला मिला था, पर इसने इन कॉलेजेस को लेना भी ठीक नहीं समझा और उस रैंक को अपने सामने पेश कर लिया कि अब मुझे ये रैंक नहीं चाहिए, और वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मैं इस रैंक पे दोबारा ना जाऊं। तो आप सभी बच्चों को मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने लाइफ में कुछ डिसाइड किया है तो ये मत देखिए कि आपके जूनियर कितने हैं सीनियर कितने, क्योंकि ये तो लाइफ में हर जगह होना है। तो ये जब हम अगर एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर आपको हमेशा अपनी सोच, आपको उन्हीं के साथ पढ़ाई करनी, उन्हीं के साथ फिर से रैंक देनी है और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। तो प्रवीण ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि आपने अपनी रैंक को सामने पेश करके रखा था, वो भी आपका बहुत बड़ा एक मोटिवेशन था कि भाई मुझे अब ये रैंक तो आ चुकी है, इससे कई गुना बेहतर करना है। 3 डिजिट के रैंक को आपने सीधा सीधा 2 डिजिट में कर दिया और टॉप 50 में आप 49 रैंक लेके आए, ये आपका एक अचीवमेंट है। अक्सर ड्रॉपर्स बच्चे जो होते हैं वो कई बार प्रेशर के वजह से परफॉर्मेंस अच्छी देते हुए भी कई बार आखिरी टाइम में गड़बड़ कर देते हैं, वो आपने मेंटेन रखी, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रवीण मैं जानना चाहूंगा कि आप ऐसे बच्चों को जिनका बाई चांस फर्स्ट ड्रॉप में या फाइनल में रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? अगर फर्स्ट ड्रॉप में नहीं आया तो आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए किसी चीज, अगर आपने कोई प्राइवेट कॉलेज ले भी लिया कि चलो मेरा 1 साल बच जाएगा, लेकिन क्या गारंटी आपकी उस कॉलेज में जाके प्लेसमेंट नहीं हुआ, कंपनी नहीं आई, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइवेट कॉलेज में 1-2 कंपनी आती हैं, उसमें भी 2-4 प्लेसमेंट ही होते हैं, बाकी बंदे तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो वो बाकी बंदे आप ना बन जाओ कहीं उन कॉलेज में। तो ऐसे मेरा था, मैं त्रिची या सूरतकल में ही जाना चाहता था, मेरा कुछ और था ही नहीं, मैंने कभी नीचे सोचा ही नहीं कि नीचे जाऊंगा। तो तैयारी भी सर उसी के लिए तैयारी की मैंने, और प्राइवेट कॉलेज का तो कोई कह ही नहीं सकते, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता प्लेसमेंट, लेकिन इन जो NITs हैं इनका प्लेसमेंट सर बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक ड्रॉप ले रहे हो तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, फायदे का ही सौदा है सर। बिल्कुल सही बात बोली प्रवीण ने। प्रवीण बिल्कुल सही बात है, अक्सर क्या होता है कि प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं 10-20-25% डिपेंड ऑन कॉलेज, पर कई सारे प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट में रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि कंपनी कम आती, तो वो क्राइटेरिया देखते हैं 10th-12th ग्रेजुएशन में 60% के ऊपर हो, 65 के ऊपर हो, कहीं ज्यादा ड्रॉप तो नहीं है, तो ये सब इशू बल्कि प्राइवेट कॉलेज में बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आप नेशनल लेवल के किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो प्रवीण एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप NIT त्रिची में भी जाके बेस्ट परफॉर्म करें, और अभी आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, और आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं वो बहुत छोटी जगह है जहां पर नॉर्मली बच्चे बाहर ही नहीं निकलते, तो अब आप उनके लिए एक मोटिवेटर का काम करेंगे। तो आप अपने जो आपके जूनियर्स हैं टीकमगढ़ के, उन बच्चों के लिए एक मोटिवेटर बनिए, और ऐसे सभी बच्चों के लिए या ऐसे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कभी भी डीमोटिवेट हो जाते हैं या जीवन में आगे बढ़ने में जरा सी मेहनत के बाद उन्हें लगता अब नहीं करना है, उन सबको एक मार्गदर्शन दें। इसी शुभकामनाओं के साथ ये सेशन एंड करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।